गुड्डू एंड डुग्गू चैनल में आपका स्वागत है। इसके पहले वाले चलचित्र में हमने आपको नागरकोइल से त्रिचंदू वाया कुडंगुलम कुवरी मनापा से होते हुए दिखाया था, पर हमारा लौटना वही नहीं था जो हमारा जाना था। हमने हमारे लौटते हुए त्रिचंदू मनापा कुट्टम पनकुड़ी अराल वाई मोजी के रास्ते तय किया। इस यात्रा के बारे में विवरण देने से पहले मैं आपको हमारे पुराने चलचित्र में बताए गए कमल के फूल के तालाब के बारे में कुछ विवरण देना चाहता हूँ जो उस चलचित्र में छूट गया था। नागरकोइल या हम कहे तो कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे ऐसे तालाब मिलेंगे जहाँ पर आपको प्राकृतिक रूप से कमल के फूल पाए जाते हैं। इन कमल के फूलों को तमिल में तामरई भी कहते हैं और इसके तालाब को तामरई कोलम भी कहते हैं, जिसका मैंने एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो इसके अंदर में डाला है क्योंकि यह हमारे पुराने वीडियो में छूट गया था। हमने यह योजना बनाया था कि हम सुबह सूर्योदय त्रिचंदूर बीच या सुब्रमण्या स्वामी कोविल बीच में करेंगे। इसके लिए हम निकल पड़े सुबह, पर हम वहां पर समय पर नहीं पहुंच पाए क्योंकि बीच से तकरीबन 2 किलोमीटर का जो रास्ता होता है हेवी ट्रैफिक से भरा हुआ है। उस ट्रैफिक के कारण आप कछुए की चाल से वहां पहुंचोगे, इसलिए अगर आप कभी भी हमारी तरह योजना बनाते हो तो कम से कम उसमें 1-2 घंटा पहले आप बीच के लिए निकले ताकि हमने जो आनंद नहीं उठा पाए यानी सूर्योदय का, वो आप जरूर उठाएं। बीच पर पहुंचकर बच्चे और परिवार वहां पर बहुत ही एंजॉय किया। एंजॉय करने के बाद हमने वहां से अय्या वैकुंठधर अवतारपति का मंदिर का दर्शन किया जो पासी में है। उनके दर्शन करने के बाद हम फ्रेश होकर के निकल पड़े मुर्गन टेम्पल श्री मुर्गन का दर्शन करने। श्री मुर्गन का दर्शन तकरीबन 3-4 घंटा लग जाता है। उनका दर्शन उस दिन जल्दी हो गया। उसके बाद हम निकल पड़े हमारे गेस्ट हाउस में हमने सुबह का नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद हम निकल पड़े हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन नागरकोइल। नागरकोइल की इस यात्रा में हमने कुल 103 किलोमीटर का रास्ता तय किया। जिस प्रकार हम नागरकोइल से त्रिचंदूर आए थे और जो रास्ता थोड़ा अच्छा था, वैसा रास्ता हमें आज नहीं मिलने वाला है। हम जिस रास्ते पे आज जा रहे हैं वो रास्ता कुछ कुछ जगह पर बहुत ही छोटा है और यह कई छोटे छोटे गांव और छोटे छोटे शहरों से गुजरता है। लेकिन रास्ता छोटा होने पर भी ये रास्ता गाड़ी चलाने लायक है, जिसके कारण हमें कोई असुविधा नहीं हुई, पर हमें थोड़ा ज़्यादा समय लग गया और साथ में इन रास्तों में उतना भीड़ भाड़ नहीं होने के कारण हमें ज़्यादा असुविधा नहीं हुई। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि ये कहावत जिसने बनाया है सही बनाया है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। उसी तरह अगर आप किसी भी क्षेत्र का प्राकृतिक सौंदर्य देखना है और वहाँ की संस्कृति के बारे में जानना है तो हमें जो नॉर्मल रास्ता है उस पर ना जाकर थोड़ा हटके दूसरे रास्ते से भी जाना पड़ेगा। जब हम इस रास्ते पर निकल पड़े, रास्ते में हमें बहुत सारे विंड फार्म मिले, इससे बच्चों ने देखा और बड़ा ही आनंद उठाया। जब हम इस रास्ते पे जा रहे थे, हमें यह अनुभव हुआ कि यह रास्ता पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त है, जिसके कारण यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और भी बढ़ गई। कभी कभी प्रकृति का आनंद लेने के लिए हमें कुछ कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा। इस रास्ते में जाते समय या यात्रा करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान जरूर रखें। रास्ते में यात्रा करने से पहले किस किस स्थान पर पेट्रोल बंक है, यानी आपका पेट्रोल या आपका ईंधन खत्म न हो, वो ध्यान पे रखें। इस रास्ते में निकलने से पहले आप अपना टैंक फुल कर लें। गाड़ी सावधानी पूर्वक और सीमित गति से चलाएं। इन रास्तों में नेटवर्क नहीं मिलने के कारण मैप आपका साथ नहीं देगा। अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो साथ में खाने पीने का सामान जरूर रखें। सही मात्रा में पानी लेके चलें। इस प्रकार का अनियोजित यात्रा जिसमें आप अपने निर्धारित रास्ते से अलग जा रहे हैं, दिन में ही करें, रात में इस प्रकार की यात्रा ना करें। आशा करता हूँ कि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो थोड़ा बड़ा है क्योंकि हमने कोई कटिंग नहीं किया है और साथ में हमने इस वीडियो में 3 गुना स्पीड से तो चलाया है। हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा रास्ता हमारे इस वीडियो में आपको दिखाया जाए। कोशिश करेंगे कि हम अगली बार आपको इसे छोटा वीडियो लाके दें। हमसे कोई त्रुटि हो गई हो तो कृपया करके क्षमा करें और हम अपने वीडियो को किस प्रकार और भी रोचक बनाएं के लिए आपके सुझाव की हमें जरूरत। अगर आपको अच्छा लगे
तो प्लीज़ कमेंट करें। अगर आपको खराब लगे तो प्लीज़ कमेंट करें ताकि हम अपने में सुधार कर सकें। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।